नमस्कार, बायोग्राफी टीवी पर आप सभी का स्वागत है। आज हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं उस संबंध में पहले कुछ बातों को साफ कर देना जरूरी है। इस वीडियो के लिए मैंने जितने भी साक्ष्यों का प्रयोग किया है ये मेरे खुद के बनाए नहीं हैं। ये साक्ष्य उसी धर्म के मानने वालों, स्कॉलर्स व धार्मिक पुस्तकों के हैं और बाकी विज्ञान व तर्क हैं। आपसे एक गुजारिश और है, इस वीडियो को पूरा देखें या फिर ना देखें, क्योंकि इस वीडियो को आधा देखकर आप कुछ भी निष्कर्ष निकाल लेंगे जो ठीक ना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सभी धर्म के संतों ने अपनी अपनी धार्मिक पुस्तकों के आधार पर यह समझाने का प्रयास किया है कि पृथ्वी की उम्र क्या है। इससे पहले कि हम विज्ञान की बात करें, आइए पहले हम एक एक करके विभिन्न धर्मों के अनुसार पृथ्वी की उम्र समझने का प्रयास करते हैं। ईसाई धर्म के पादरियों ने पिछली शताब्दियों में कई बार बाइबल के आधार पर पृथ्वी की उम्र को बताने का प्रयास किया। बहुत से ईसाई मानते हैं कि ईश्वर ने पृथ्वी को 6 दिनों में बनाया और पृथ्वी 6000 साल पुरानी है। इन सब में सबसे फेमस क्रिएशन डेट जेम्स असर ने दी। उन्होंने अपने अध्ययन के आधार पर बताया कि पृथ्वी की उत्पत्ति की तारीख 23 अक्टूबर रविवार 4000 बीसी है। बाद में इसको उन्होंने अपने हिसाब से भूल सुधार करके 23 अक्टूबर रविवार 4004 बीसी कर दिया। आज भी यंग अर्थ क्रिएशन पर विश्वास करने वाले बहुत से ईसाई विज्ञान द्वारा बताई गई पृथ्वी की उम्र 4.5 बिलियन वर्ष को नहीं मानते हैं। लेकिन इन सब से हटकर बहुत से ईसाई ऐसे भी हैं जो यह मानते हैं कि बाइबल में पृथ्वी की उम्र का कोई जिक्र नहीं है और ये पादरियों द्वारा रची गई अपनी मनगढ़ंत कहानियां हैं। लेकिन ये बात वे विज्ञान के साक्ष्यों को देखने के बाद मानने लगे या पहले से वे ऐसा मानते थे, यह कहना मुश्किल है। इस्लाम धर्म के अनुसार भी अल्लाह ने ब्रह्मांड का निर्माण 6 दिनों में किया। अल्लाह को ब्रह्मांड निर्माण में 6 दिन क्यों लगे, इस पर मुस्लिम स्कॉलर्स 2 तर्क देते हैं। पहला यह है कि अगर अल्लाह चाहते तो वह संपूर्ण जगत का निर्माण 1 सेकंड से भी कम समय में कर सकते थे, लेकिन शायद अल्लाह ने एंजल्स को पहले ही बना दिया था और बाद में एंजल्स ने और सारा निर्माण किया। दूसरा तर्क यह है कि अल्लाह मानवों को शिक्षा देना चाहते थे, अतः उन्होंने 6 दिनों का समय लिया। यहाँ एक ध्यान देने वाली बात यह है कि अरबी शब्द यौम का ट्रांसलेशन डे में किया गया है, जबकि बहुत से मुस्लिम स्कॉलर्स यह भी मानते हैं कि यौम पृथ्वी के दिन से बहुत ही अधिक बड़ा दिन है। यह 1,000, 1 मिलियन, 1 बिलियन ईयर्स कुछ भी हो सकता है और कुछ यह भी मानते हैं कि यह इपॉक जैसा टाइम पीरियड है। कुरान में ही एक दिन की तुलना कहीं पृथ्वी के 50,000 वर्ष तो कहीं 1,000 वर्ष से की गई है, लेकिन ये जानकारी केवल यह बताती है कि पृथ्वी का निर्माण कितने दिनों में हुआ था। यह बात यह नहीं बताती कि पृथ्वी की उम्र क्या है। कुछ मॉडर्न इस्लामी विचारक जो विज्ञान में भी रुचि रखते हैं, उन्होंने कुरान को विज्ञान की कसौटी पर खरा उतारने के लिए कुछ ऐसा किया। उन्होंने कहा, क्योंकि यौम एक निश्चित समय सीमा नहीं है, अतः इसका प्रयोग 1,000 मानव वर्षों, 50,000 मानव वर्षों या कितने भी वर्षों के लिए किया जा सकता है। अतः क्योंकि विज्ञान के अनुसार ब्रह्मांड लगभग 13.7 बिलियन वर्ष पुराना है, अतः उन 6 दिनों में क्योंकि पृथ्वी की उम्र 2 दिन थी, इसलिए उन्होंने सीधे विज्ञान द्वारा बताई गई ब्रह्मांड की उम्र लेकर उसे 6 से भाग कर दिया तो 2.28 बिलियन वर्ष आए। और क्योंकि उनके अनुसार पृथ्वी 2 दिनों में बनी थी, अतः 2.28 × 2 = 4.5 बिलियन वर्ष आ गए और विज्ञान के हिसाब से भी पृथ्वी की उम्र इतनी ही है। पर यह कैलकुलेशन पूरी ही तरह से गलत है। पहली बात यह है कि साइंस के ही साक्ष्यों का प्रयोग करके ही इसे साबित करने की कोशिश की गई है, और अगर इसे मान भी लिया जाए तो यह केवल यह बताता है कि अल्लाह ने इस ब्रह्मांड का निर्माण करने में 13.7 बिलियन वर्ष लगाए। मतलब कि जब वे ब्रह्मांड का निर्माण कर रहे थे तो उस पूरे ब्रह्मांड, स्वर्ग, नर्क इत्यादि को पूरा बनने में 13.7 बिलियन वर्ष लगे। ना कि यह इस बात को बताता है कि ब्रह्मांड की वर्तमान आयु क्या है। यह ऐसे ही है जैसे कि एक इंसान के बच्चे को पैदा होने में 9 महीने लगते हैं।
लेकिन आज उसकी आयु क्या है यह इस बात पर निर्भर करेगा कि उसके पैदा होने से लेकर आज तक कितना समय बीत चुका है। कुछ लोग यह भी कहते हैं कि ये 6 टाइम पीरियड्स हैं। अगर ये टाइम पीरियड्स हैं तो इनकी टाइम लेंथ क्या है? ऐसा कुरान में कोई जिक्र नहीं है, अतः इस थ्योरी को भी मानने के लिए आधार नहीं है और बहुत से मुस्लिम स्कॉलर्स स्वयं भी इसे स्वीकार नहीं करते हैं। बहुत से मुस्लिम आज भी यह मानते हैं कि कुरान में केवल 6 दिनों में दुनिया बनाने का जिक्र है, ना कि दुनिया की उम्र का। अतः ईसाइयों की तरह मुस्लिमों में भी बहुत से लोग मानते हैं कि उनके ग्रंथों में दुनिया कितने दिनों में बनी इसकी तो जानकारी है, पर इसकी उम्र की नहीं है। आइए अब हिंदू धर्म की बात करते हैं। हिंदू ब्रह्मांडीय समय चक्र सिद्धांत, सूर्य सिद्धांत व अन्य शास्त्रों में वर्णित है। हिंदू शास्त्रों के अनुसार 4 युग होते हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर व कलयुग। सतयुग 4000 दिव्य वर्ष का होता है तथा इसे शुरू होने व खत्म होने में 400 वर्ष और लगते हैं, अतः सतयुग कुल 4800 दिव्य वर्ष का होता है। इसी तरह अन्य युगों की डिटेल स्क्रीन पर दी गई है। इन सभी को जोड़ने पर कुल 12000 दिव्य वर्ष होते हैं तथा इन 4 युगों के योग को एक महायुग कहते हैं, अतः एक महायुग बराबर 12000 × 360 बराबर 4.32 मिलियन वर्ष के बराबर होगा। और जब ऐसा एक महायुग 1000 बार दोहराया जाता है तो ब्रह्मा जी का एक दिन होता है, जिसे एक कल्प कहते हैं। अतः एक दिन ब्रह्मलोक बराबर 1000 महायुग के और 4.32 मिलियन ईयर्स गुड़े 1000 बराबर 4.32 बिलियन ईयर्स आएगा। इन 1000 महायुगों में से 994 महायुगों में ब्रह्मा जी ब्रह्मांड का सृजन करते हैं तथा बचे 6 महायुगों में वे समाधि काल में चले जाते हैं। इसके साथ ही 994 महायुगों में से हर 71वें महायुग को मन्वंतर कहते हैं। अतः ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मन्वंतर होते हैं और ब्रह्मा जी का दिन व रात मिलाकर एक पूरा दिन बराबर 4.32 × 2 के बराबर 8.64 बिलियन वर्ष के बराबर होता है। जब एक कल्प बीतता है तो ब्रह्मांड का विनाश हो जाता है और फिर सृजन शुरू होता है और यह सिलसिला चलता रहता है। आइए अब इस आधार पर पृथ्वी की आयु की गणना करते हैं। हिंदू शास्त्रों के अनुसार ब्रह्मा जी की आयु 100 वर्ष होती है और विष्णु पुराण के अनुसार वर्तमान में ब्रह्मा जी की आयु का 51वां वर्ष चल रहा है। ब्रह्मा जी के 51वें वर्ष के 14 में से 6 मन्वंतर समाप्त हो चुके हैं और 7वां मन्वंतर चल रहा है और 7वें मन्वंतर के 27 महायुग गुजर चुके हैं। 28वां महायुग चल रहा है। 28वें महायुग का ये कलयुग चल रहा है और इस कलयुग के 5120 वर्ष बीत चुके हैं। अतः आइए इसके आधार पर पृथ्वी की उम्र कैलकुलेट करते हैं। 6 मन्वंतर बीत चुके हैं, अतः 6 × 71 बराबर 426 महायुग बीत चुके हैं और 426 × 12000 दिव्य वर्ष बराबर 51,12,000 दिव्य वर्ष बराबर 1.84 बिलियन मनुष्य वर्ष के बराबर होगा। 7वें मन्वंतर के 27 महायुग बीत चुके हैं जो कि बराबर होगा 27 × 12000 × 360 बराबर 11,66,40,000 मनुष्य वर्ष के बराबर होगा। और 7वें मन्वंतर का 28वां महायुग चल रहा है जिसका कलयुग चल रहा है। इस कलयुग के 5120 वर्ष बीत चुके हैं, अतः इन सभी को जोड़ने पर पृथ्वी की आयु 1.96 बिलियन वर्ष के बराबर होगी। इस तरह हिंदू शास्त्रों के अनुसार पृथ्वी की आयु लगभग 1.96 बिलियन वर्ष है। यह भी पृथ्वी की वैज्ञानिक आयु से भिन्न है, पर फिर भी यह कैलकुलेशन अद्भुत है और ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ आपको आगे समझ में आ जाएगा। इसी तरीके से हिंदू शास्त्रों के अनुसार वर्तमान सृष्टि की आयु लगभग 155.52 ट्रिलियन वर्ष है तथा इस सृष्टि की पूर्ण आयु 311.04 ट्रिलियन वर्ष के लगभग है। इससे पहले कि हम विभिन्न धर्मों के कैलकुलेशन से किसी निष्कर्ष पर पहुँचें, आइए जान लेते हैं कि अपनी अपनी सदी के महान वेस्टर्न साइंटिस्ट ने पृथ्वी की उम्र कितनी बताई थी। इतिहास के पिता कहलाए जाने वाले हेरोडोटस ने मिस्र की नील नदी में रेत के जमाव से बनने वाली परतों को गिना।
उन्होंने नील नदी की 5,000 परतों की पहचान की और इस तरह अनुमान लगाया कि पृथ्वी लगभग 5,000 वर्ष पुरानी है। महान खगोलविद केपलर, जिन्होंने बताया था कि सूर्य ब्रह्मांड का केंद्र है, यद्यपि भारतीय इसे पहले ही बता चुके थे, उनके अनुसार पृथ्वी के जन्म का वर्ष 3993 BC था। अब बात करते हैं ऐसे महान वैज्ञानिक की जिसको बच्चा बच्चा जानता है, न्यूटन। न्यूटन के अनुसार पृथ्वी की उत्पत्ति 3988 BC के लगभग हुई थी। अतः केपलर व न्यूटन दोनों की ही गणना लगभग बाइबल के करीब ही बैठती है, जो कि 6,000 वर्ष के लगभग है। न्यूटन ने लिखा, 17वीं या 18वीं सदी का कोई शिक्षित व्यक्ति अगर यह सुझाव देता है कि मानव जीवन 6,000 वर्ष से भी पुराना है तो यह मूर्खतापूर्ण है। महान फिजिसिस्ट विलियम थॉम्सन, जिन्हें लॉर्ड केल्विन के नाम से भी जाना जाता है, उन्होंने गर्म पृथ्वी कितने समय में ठंडी हुई होगी, हीट फ्लो, टाइडल फ्रिक्शन इत्यादि के आधार पर गणना करके पृथ्वी की उम्र 98 मिलियन वर्ष बताई। बाद में इसे बदलकर उन्होंने कहा कि पृथ्वी की उम्र 20 से 400 मिलियन वर्ष के करीब है। इवोल्यूशन के पिता डार्विन ने अपने अंतिम समय में कहा था कि अगर लॉर्ड केल्विन सही हैं तो मेरा सारा कार्य व्यर्थ हो गया, क्योंकि पृथ्वी पर इतने कम समय में इवोल्यूशन हो ही नहीं सकता। धीरे धीरे इस संबंध में और वैज्ञानिक प्रगति हुई, जिससे रिलेटिव डेटिंग टेक्निक का आविष्कार हुआ। रिलेटिव डेटिंग एक ऐसा तरीका है जिसमें कई स्थानों पर बनने वाली सेडिमेंट्री लेयर्स को एक दूसरे से कंपेयर कर निष्कर्ष निकाला जाता है। पुरानी सेडिमेंट्री लेयर पहले बनी होंगी, अतः वह नीचे होंगी तथा नई ऊपर होंगी। रिलेटिव डेटिंग से लेकिन केवल इतना पता चलता है कि भिन्न भिन्न इवेंट्स का सीक्वेंशियल ऑर्डर क्या है, इनसे यह नहीं पता चलता कि ये कब हुए थे। ग्रैंड कैनियन में बहुत सारी हॉरिजॉन्टल लेयर्स हैं, इसकी सबसे निचली लेयर लगभग 2 बिलियन वर्ष पुरानी है। रिलेटिव डेटिंग की ये टेक्निक पृथ्वी की उम्र गणना हेतु काफ़ी ना थी। पृथ्वी की उम्र की गणना करना रेडियो एक्टिविटी के कारण संभव हुआ। रेडियो एक्टिविटी की खोज हेनरी बेकुरल द्वारा 1896 में की गई। मैरी क्यूरी व पियरे क्यूरी ने पोलोनियम व रेडियम की खोज 1898 में की। रेडियो एक्टिविटी की खोज ने उम्र गणना करने की एक नई तकनीक रेडियोमेट्रिक डेटिंग को जन्म दिया। शुरुआती दौर में अर्नेस्ट रदरफोर्ड व फ्रेडरिक सोडी ने मिलकर रेडियो एक्टिव डीके को समझाया तथा पदार्थ की हाफ लाइफ को एक्सप्लेन किया। हम सभी ने पढ़ा है कि एटम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन व न्यूट्रॉन से मिलकर बने होते हैं। एक ही एलिमेंट्स में कई बार न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न पाई जाती है, जिन्हें आइसोटोप्स कहते हैं। उदाहरण के तौर पर कार्बन 12 में 6 प्रोटॉन व 6 न्यूट्रॉन होते हैं, जबकि कार्बन 14 में 6 प्रोटॉन व 8 न्यूट्रॉन होते हैं। ऐसे एलिमेंट्स जिनमें प्रोटॉनों व न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर नहीं होती, वे अनस्टेबल होते हैं, अतः वे रेडियो एक्टिव होते हैं, जैसे कार्बन 14। विभिन्न वस्तुओं की उम्र की गणना करने के लिए रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स का ही प्रयोग किया जाता है। आपने कार्बन डेटिंग के बारे में ज़रूर सुना होगा, पर असल में कार्बन डेटिंग के द्वारा केवल 50 से 60 हज़ार वर्ष पुरानी चीज़ों की ही गणना की जा सकती है, क्योंकि कार्बन 14 की हाफ लाइफ केवल 5730 वर्ष के लगभग होती है। यहाँ कार्बन 14 की हाफ लाइफ से मतलब यह है कि 5730 वर्षों बाद कार्बन 14 के आधे एटम्स ही शेष बचते हैं। मतलब कि अगर आज कार्बन 14 में 100 एटम्स हैं तो 5730 वर्षों बाद उसमें केवल 50 एटम ही शेष बचेंगे। कार्बन डेटिंग से आयु गणना केवल ऑर्गेनिक मैटर व कुछ गिने चुने इनऑर्गेनिक मैटर की ही की जाती है। पृथ्वी की उम्र गणना हेतु कभी भी कार्बन डेटिंग का प्रयोग नहीं किया जाता है। पृथ्वी जैसे ग्रह की उम्र गणना के लिए ऐसे एलिमेंट्स का प्रयोग किया जाता है जिनकी हाफ लाइफ बहुत अधिक होती है। कुछ एलिमेंट्स की हाफ लाइफ चार्ट में आप देख सकते हैं। यूरेनियम जैसे एलिमेंट्स की हाफ लाइफ बिलियन ईयर्स होती है। आइए अब जानते हैं कि रेडियोमेट्रिक डेटिंग का प्रयोग करके चट्टानों में उपस्थित यूरेनियम एटम्स की गणना करके कैसे वैज्ञानिकों ने इस पृथ्वी की उम्र निकाली। इसके लिए वैज्ञानिकों ने पृथ्वी पर पाई जाने वाली बहुत सारी पुरानी चट्टानों व मेटेराइड्स का अध्ययन किया और चट्टानों की उम्र को यूरेनियम डेटिंग के द्वारा पता लगाया। यूरेनियम 238 को वैज्ञानिकों ने पैरेंट एटम कहा, क्योंकि धीरे धीरे यह अन्य एलिमेंट्स में डीके हो जाता है। यह इस प्रकार डीके होता है।
लेड को वैज्ञानिकों ने डॉटर एटम कहा। जब यूरेनियम के आधे एटम धीरे धीरे लेड में बदल जाते हैं तो इसे यूरेनियम की हाफ लाइफ कहते हैं। साइंटिस्ट इन्हीं यूरेनियम व लेड के एटम के रेशियो की गणना करके निकालते हैं कि पृथ्वी की उम्र क्या है। पृथ्वी के अंदर पाया जाने वाला मैग्मा जब ठंडा होता है तो एक मिनरल बनता है जिसे जिरकॉन कहते हैं। जिरकॉन जब बनता है तो इसमें लेड नहीं होता है, लेकिन इसमें पाए जाने वाले यूरेनियम के एटम्स धीरे धीरे लेड में डीके होते रहते हैं। तो वैज्ञानिक करते यह हैं कि ऐसे किसी जिरकॉन के टुकड़े वे लैब में लाकर उसमें यूरेनियम व लेड के एटम के रेशियो की गणना करते हैं और पता करते हैं कि वह कितना पुराना है। इसी तरह का एक सबसे पुराना जिरकॉन का एक छोटा क्रिस्टल वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की जैक हिल्स में पाया गया है, जो कि कम से कम 4.404 बिलियन वर्ष पुराना है, और इसके साथ ही प्रत्येक कॉन्टिनेंट पर कम से कम 3.5 बिलियन साल पुरानी रॉक्स मिली हैं। इसी तरह अंतरिक्ष से आए एक मेटेरॉइड जिसका नाम कैनियन डायब्लो है, उसका अध्ययन 1953 में पैटरसन ने किया। पैटरसन ने इस मेटेरॉइड का अध्ययन कर पृथ्वी की उम्र 4.5 बिलियन ईयर प्लस माइनस 70 मिलियन ईयर्स निकाली। इसके साथ ही क्योंकि संपूर्ण सोलर सिस्टम के निर्माण का पदार्थ भी एक ही है, अतः संपूर्ण सोलर सिस्टम की आयु भी लगभग पृथ्वी की उम्र के बराबर है। विज्ञान द्वारा इतने बेहतरीन कैलकुलेशंस के बाद भी यहाँ विज्ञान के साथ भी कुछ दिक्कतें हैं। चट्टानों के बनने के बाद कितने समय बाद पृथ्वी बनना शुरू हुई, विज्ञान इस बारे में कुछ एग्जैक्टली नहीं कहता। और दूसरा यह है कि पृथ्वी की सतह पर पाई जाने वाली सबसे पुरानी चट्टानों की एग्जैक्ट एज जानना डिफ़िकल्ट है, क्योंकि प्लेट टेक्टोनिक्स इत्यादि के कारण पृथ्वी में हमेशा से उथल पुथल होती रही है। अतः हो सकता है पाए जाने वाले मिनरल्स विभिन्न एजेस के मिश्रण हों। आइए एक बार फिर धर्म की ओर लौटते हैं, क्योंकि यहूदी, इस्लाम व ईसाई तीनों धर्मों का आपस में संबंध है। ये तीनों ही अब्राहमिक रिलीजन्स हैं। अतः ईसाई व इस्लाम दोनों धर्मों में ही 6 दिनों में दुनिया बनने का उल्लेख है। कुछ ईसाई व मुस्लिम आज भी यह मानते हैं कि पृथ्वी लगभग 6000 वर्ष पुरानी है। वहीं बहुत से ईसाई व मुस्लिम यह भी मानते हैं कि बाइबल व कुरान में पृथ्वी की उम्र का कोई उल्लेख नहीं है। 19वीं शताब्दी तक भी हम अगर नज़र डालें तो एकमात्र हिंदू धर्म को छोड़कर किसी ने यह कल्पना भी नहीं की थी कि पृथ्वी की उम्र बिलियनों साल है। न्यूटन, केपलर जैसे वैज्ञानिक हजारों वर्षों से ऊपर नहीं बढ़ पाए, तो वहीं लॉर्ड केल्विन मिलियन ईयर्स तक ही पहुँचे। हालांकि हिंदू धर्म के अनुसार भी पृथ्वी की उम्र वैज्ञानिक आधार पर पृथ्वी की उम्र से पूरी तरह मेल नहीं खाती, फिर भी यह एक बहुत बड़ी बात है कि जब वेस्टर्न सिविलाइजेशन विज्ञान से भी परिचित ना था तब यहाँ इतने बड़े बड़े कैलकुलेशन किए गए। एक अन्य आश्चर्यजनक बात यह है कि हमने जो कलयुग की उम्र कैलकुलेट करके पृथ्वी की उम्र 1.9 बिलियन वर्ष कैलकुलेट की थी, विज्ञान भी यह मानता है कि पृथ्वी पर यूकैरियोटिक सेल्स के जीवों की उत्पत्ति अर्थात सभी पेड़ पौधों व जानवरों की उत्पत्ति की शुरुआत भी 1.6 बिलियन वर्ष से लेकर 2.1 बिलियन वर्ष के आसपास हुई थी। लेकिन यह पृथ्वी की उम्र नहीं है। फिर भी यह एक बहुत बड़ी बात है कि जब पश्चिमी सभ्यताएं पृथ्वी की उम्र 6000 साल बता रही थीं, उस समय हम भारतीयों का विज्ञान इतना विकसित था कि उन्होंने इतनी जटिल गणनाएँ की। भारत को सपेरों का देश कहने वालों के लिए यह एक करारा जवाब है। महान खगोलविद कार्ल सेगन ने इस बात को खुद स्वीकारा था। उन्होंने कहा, हिंदू धर्म ही दुनिया का एक ऐसा महानतम धर्म है जो यह स्वीकारता है कि ब्रह्मांड स्वयं भी अनंत जीवन व मृत्युओं से गुजरा है। यही केवल एक ऐसा धर्म है जिसकी टाइम स्केल मॉडर्न साइंटिफिक कॉस्मोलॉजी से मेल खाती है। इसका चक्र हमारे एक साधारण दिन व रात से लेकर ब्रह्मा के एक दिन व रात तक है, जो कि 8.64 बिलियन वर्ष लंबा है, जो कि पृथ्वी व सूर्य और बिग बैंग के लगभग आधे समय के बराबर है।